उल्मा-ए-किराम से कहूंगा ये खुला दिल करो, ये खुला दिल करो, कुछ सजा दे रखो उस सजा के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस कौम को बचाने के लिए, इस जमहूरियत को बचाने के लिए, इन अदालत को बचाने के लिए फरार करा दे काम लो, ये कुलूस पर छोड़ दो। कभी तो दीन पे गालियां लगाते किसी को, सुन्नी अल्लाह शिया माफी पता नहीं क्या क्या करते हो, क्यों करते हो ऐसी बात, क्यों नफरत पैदा करते हो। आओ आओ ऐड करो, दुनिया से वापस करो, इंसानों से वापस करो। याद रखो ये दुनिया, ये अगला जहान, ये जन्नत, ये दोजख, ये पैगंबर, ये रसूल सब इंसानियत के लिए लाए गए, इंसान के लिए लाए गए, आपके लिए लाए गए। हम कैसे इंसान है कि इंसान को गालियां करते हैं, इंसान को बुरा भला कहते हैं। खुदा को खौफ करो और उस अपने आप ही नबी उन पे अमल करें। आखिरी आपसे बात करूंगा, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला वो रब्बुल आलमीन है, वो सब जहान का अल्लाह है। हमने ठेका लिया वो मुसलमानों ने, सिर्फ हमारा अल्लाह और किसी का नहीं है, वो रसूल वो रब्बुल आलमीन वो सब जहान का लिए रहमत है। हमने कहा हमारी किया है वो करार सलीम के लिए है, सलीम की राबड़ी के लिए है। मैंने आपसे लंबी बात कर दी, मैं आपसे बहुत फिर माफी चाहता हूँ। मैंने आपसे आपको खूब दिमागी शदत दिया, इस जनित शदत की माफी, और आपसे कहूंगा चलते चलते जहां आपने बहुत सारे टेबल किए, एक मैं भी छोटा सा करना चाहता हूँ। ये सब जब हमारे पुलिस भारी मरीज के तीर आपने पड़ा होगा, तो लाहौर में दिन रात रहता 10-12 साल रहा, लोगों ने सोचा कि भाई ये क्या आदमी है, स्थलों पर मरता है ना कहीं जाता है, ये कितने का हमारा आदमी आ गया, यहाँ कहीं भी नहीं जाता। तो मैं अपने छोटे भतीजे को खत लिखता था, उपल वसूल क्या है, नौजवानों को क्या करना चाहिए, बड़े सिंह के नौजवानों को क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मेरा इतना फैन हो गया मेरा भतीजा।